नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि जियो पोस्ट प्लस में जियो फोन एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जियो फोन एक्टिवेट करने का ऑप्शन कैसे मिलेगा। जब आप जियो डिजिटल केवाईसी पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों वहां पर जो आपको मोबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, ई सिम का आ रहा है, लेकिन जियो फोन की सिम चालू करने का आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो जानेंगे कि आप उसको कैसे लाएंगे। तो दोस्तों बने रही वीडियो में, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमें फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों आप फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और इसी प्रकार का वीडियो वहां पर भी देख सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आपको टेलीकॉम से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो आप मैसेज के जरिए जुड़ सकते हैं, मैं आपकी वहां से पूरी मदद करूंगा। तो दोस्तों ऐसा है कि मान लीजिए आपका जियो पोस्ट प्लस का जो वर्जन है वो ओल्ड है, कोई भी हो सकता है, पुराने से पुराना भी हो सकता है या इससे पहले भी जो आया है वो हो सकता है। तो ऐसे दोस्तों पुराने वर्जन में जियो फोन का जो ऑप्शन था वो हटा दिया गया है। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या है, मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जियो पोस्ट प्लस के नए वर्जन का लिंक दे रखा है, आप उसे डाउनलोड करें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी एक पेपर पे लिख लेनी है, उसके बाद जो है आपको अपना जियो पोस्ट प्लस को अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, वो लिंक लेके जाएगा आपको गूगल क्रोम में। मैं आपको वीडियो में पूरा कंप्लीटली प्रोसेस दिखा दूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं यदि आप जैसे मेरी पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि जियो पोस्ट प्लस का नया वर्जन कैसे डाउनलोड करें, तो दोस्तों उसमें कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जो लिंक आपने दिया वो हमारा ओपन ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि उनको करना क्या है। मान लीजिए दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हो अपने एंड्रॉइड मोबाइल में, तो आप दोस्तों आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। तो दोस्तों मैं आपको कंप्लीटली प्रोसेस दिखा देता हूं कि कारण क्या है कि जो आप जियो पोस्ट प्लस का नया वर्जन जो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जब दोस्तों आप सब कुछ पूरा प्रोसेस कर लोगे तो आपको जियो फोन का जब नया वर्जन जियो पोस्ट प्लस का नया वर्जन मिल जाएगा तो वहां पर दोस्तों आपको जो है जियो फोन एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों जिनका कंफ्यूजन था कि उनका जो मैंने जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जियो पोस्ट प्लस का नया वर्जन दिया था वो ओपन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं प्ले स्टोर में जाकर उनको अपना जो भी उनका ब्राउजर है उसको अपडेट कैसे करेंगे और अपडेट करने के बाद आप जो है नए वर्जन को डाउनलोड कैसे करेंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे और वर्जन आपका हो जाएगा तो दोस्तों आपको जियो पोस्ट प्लस में ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप दिखा देता हूं कि आप जो है अपने ब्राउजर को अपडेट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल के प्ले स्टोर में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी समस्या को दूर करा देता हूं। जब कुछ लोग कहते हैं कि सर जो आपने नया वर्जन का लिंक दिया है वो ओपन नहीं हो रहा है, वहां पर कर एरर दिखा रहा है, तो दोस्तों उसका बड़ा कारण है कि आपका जो एप्लीकेशन जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो वो अपडेट नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ आपको अपडेट कैसे करेंगे। तो सिंपली दोस्तों आपको जो है अपना जियो जो प्ले स्टोर है वो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप एक बार टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ऑप्शन पर दिख रहा होगा माई एप्स एंड गेमिंग्स, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर ले रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है मैं सबको यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। तो सिंपली दोस्तों आपको जो भी ऐप है वो आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक 21 एप्लीकेशन को अपडेट कर चुका है, 22वां आपके सामने यहाँ पर अपडेटिंग चल रही है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये अपडेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको मेरी वीडियो में आना है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो के अंदर, दिखाते हैं कि आप लिंक पर क्लिक करके जियो पोस्ट प्लस को नए वर्जन को डाउनलोड कैसे करोगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी वीडियो में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी दूसरी वीडियो है कि जियो पोस्ट प्लस का नया वर्जन 12.7.1 डाउनलोड कैसे करें। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आपको नया वर्जन डाउनलोड करना है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 12.7.1 यहाँ पर मेरे जियो पोस्ट प्लस न्यू वर्जन 12.7.1 डाउनलोडिंग लिंक दोस्तों मैंने यहाँ पर सामने दे रखा है। यदि आप इस वीडियो को कभी भविष्य में देख रहे हैं मेरी वीडियो को और यहाँ पर जो है नया वर्जन आ जाता है तो दोस्तों मैं इसके पास ही उसका नया वर्जन का जो लिंक है वो यहाँ पर दे दूंगा, तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी भविष्य में कोई नया वर्जन आता है चेंज होता है। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल की क्रोम में लेके जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गूगल क्रोम जो है ओपन हो चुका है और यहाँ पर जियो पोस्ट प्लस वर्जन 12.7.1 आपके सामने शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखा प्रोसेसिंग का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली प्रोसेसिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के ज़्यादा
पाँच मिनट के अंदर अंदर आपका जियो पोज प्लस का नया वर्जन आ जाएगा। और जैसे ही आप जो इंस्टॉल कर लोगे और आप अब जो जब आप अपने जियो पोज प्लस को लॉगिन करोगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जियो पोज प्लस को लॉगिन करने के बाद आपके मोबिलिटी के साथ साथ जियो फोन का भी ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा। तो सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जियो पोज प्लस को लॉगिन कर लिया है। जब आप लॉगिन कर लोगे अपना आईडी पासवर्ड डाल के, तो सिंपली आपको यहाँ थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर जियो डिजिटल केवाईसी का ऑप्शन शो कर रहा है, आप यहाँ पर टैप करेंगे। सिंपली यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबिलिटी, जियो फोन्स, ई सिम रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आपको जो है सिंपली इसी प्रकार से जियो पोज प्लस का नया वर्जन आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों होता है क्या, जैसे मान लीजिए आप नया अपडेट आता है, आपने हब को डाउनलोड नहीं किया है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप जो है करना क्या कि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जियो फोन का ऑप्शन मिला है या नहीं मिला है। जब आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो आपको मिल चुका है नहीं मिला है। और साथ के साथ मैं बता दूं दोस्तों, जैसे कि मार्केट में जियो फोन आ चुका है, यदि आपके पास नहीं पहुंचा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर मिला है तो आपके यहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको उसका कितना प्राइस दिया है। तो दोस्तों जानेंगे इस अगली वीडियो में कुछ जानकारी। जो आप यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।